देखिए, मैं इस समय मिंटो पुल के नीचे, मिंटो रोड पुल के नीचे हूँ। ये एमसीडी के अंडर में है, पीडब्ल्यूडी का ये डिपार्टमेंट है और हमारे साथ सतीश उपाध्याय जी भी हैं। चार साढ़े चार घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। इन नालों को न साफ करने के कारण कुछ देर तक एनडीएमसी एरिया में भी जल जमाव हुए हैं, लेकिन वो मैक्सिमम आधे घंटे में, पौन घंटे में उसको रिलीज किया गया पानी। लेकिन नीचे के जो नाले हैं, जिसको हम लोग पिछले एक डेढ़ महीने से हम अलग अलग नालों पे जा करके कह रहे हैं इसको साफ करो, डीसिल्टिंग करो, यमुना जी के कई क्षेत्रों को, तो वहां पे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है, 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। दिल्ली सरकार के ऐसे निकम्मों को बताइए कि आपात बैठक तब होती है क्या? तब होती है ना जब पहली बार कोई घटना घटी हो। ये कोई पहली बार थोड़ी है सर, एक जब बारिश होती है ये दृश्य आता है और इसको हम देख करके हम अपना दिल्ली अपनी किस्मत पे रो रही है। बहुत जल्दी ऐसे लोगों को इस तरह की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना चाहिए ताकि दिल्ली को बचाया जा सके। उसका एक दैट इज अनदर थिंग, वो तो आपात कोई बात हुई है, लेकिन जो चीज हर साल हो रही है उसमें भी अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो लानत है ऐसी आम आदमी पार्टी सरकार।